हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे। अगर आप किसी बीमारी से या किसी समस्या से ग्रस्त हैं, आपको लगता है कि आपके घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी है, वैसे भी वातावरण भी हमारा नेगेटिव सा हो गया है क्योंकि चारों तरफ बीमारी, महामारी का भय, मानसिक पीड़ा ने हम सबको घेरा हुआ है। इससे बचने के लिए आज मैं आपके लिए एक बेस्ट उपाय लेके आई हूँ जो आपको आरंभ करना है गंगा सप्तमी से। गंगा सप्तमी के बारे में जानते हैं, ये गंगा सप्तमी बैसाख मास की सप्तमी को आती है। ऐसा माना जाता है, शास्त्रों में उल्लेख है कि जो भगीरथ थे ऋषि, उन्होंने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए इस दिन गंगा को स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर अवतरित किया था, तभी से इस दिन को गंगा सप्तमी के दिन से माना जाता है। वैसे इस दिन तीर्थ स्थानों में स्नान करने की, गंगा स्नान करने की बहुत बड़ी मान्यता है, बट आप सभी जानते होंगे कि लॉकडाउन है और संभव नहीं है कि आप सभी हरिद्वार, काशी या जहाँ भी गंगा नदी है वहाँ जाके स्नान करें। तो गंगा सप्तमी के मौके पर आज जो है 18 जून को है, ये सॉरी 18 मई 2021 को गंगा सप्तमी का पर्व है। इस दिन आप गंगा स्नान का पुण्य अपने घर पर ही प्राप्त कर सकते हैं। क्या करना है आपको? आप जब भी स्नान करें उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लें और माँ गंगा से प्रार्थना करें कि हे माँ गंगा, आप तो हर जल में विद्यमान हो, क्योंकि सभी जल गंगा जल हैं। अगर हमारी दृष्टि में वो पवित्र है, शुद्ध है, जैसे ही हम उसमें अपनी वाइब्रेशन डालते हैं वैसा ही वो जल हो जाता है। तो आप उसी को माँ गंगा से प्रार्थना करके कि वो उस जल को अमृत बना दें, उस सभी जल को गंगा जल बना दें, ऐसा बोलकर उससे स्नान कर लें आप, तो आपको गंगा जल के पुण्य का फल प्राप्त होगा। इसके साथ ही आपको अपने परिवार को रोगों से बचाने के लिए आप इस दिन से एक विशेष उपाय आरंभ कर सकते हैं। अगर पीड़ा अधिक है तो, अगर नहीं है तो सिर्फ इसी दिन कर सकते हैं। करना क्या होगा आपको, एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल आप भर लें, उसमें कुछ गंगा जल भर लें, उसको अपने पूजा स्थान पर रखें और वहाँ पे अपने कुल देवी देवता पितर देवताओं सबका आह्वान करें, माँ गंगा को प्रणाम करें, पास में ही दीपक लगाएं, शुद्ध घी का दीपक आपको लगाना है, अगर तेल का लगाना चाहते हैं तो तेल का भी लगा सकते हैं। सभी से प्रार्थना करें कि ये जो जल है, माँ जो गंगा है, वो इस जल को अमृत प्रदान करें, जिससे आपकी सभी जो नेगेटिव एनर्जी है, सभी रोग कष्ट दूर हो जाए। और वहाँ पे 108 बार आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है, 108 बार आप नमः शिवाय का जाप कीजिए और 108 बार माँ गंगा का स्मरण कीजिए। जय माँ गंगे, जय माँ गंगे, जो भी आप गंगा माता का मंत्र बोलना चाहते हैं वो आप बोल सकते हैं, इससे वो जल आपका अभिमंत्रित हो जाएगा। यदि आपने कोई गुरु धारण किया है, कोई गुरु मंत्र है, कुल मंत्र है, तो वो भी आप उच्चारण कर सकते हैं 108 टाइम, यानी कि 108 बार। इसके पश्चात ये जल आपका अभिमंत्रित हो जाएगा। आपको करना क्या है, जो भी सदस्य घर में रोग से पीड़ित है उसको आपको ये जल पिलाना है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप सभी इस जल को थोड़ा थोड़ा ग्रहण करें, साथ ही किसी पुष्प या दुर्वा की सहायता से इसको अपने पूरे घर में छिड़कें ताकि नेगेटिव एनर्जी जो है वो खत्म हो जाए। लेकिन ध्यान रहे कि ये पैरों में ना पड़े, यानी कि जमीन पर आप गंगा जल को ना डालें। इस उपाय से आप अपने फैमिली को और खुद को बचा सकते हैं। आस्था से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं है, धैर्य रखें और ईश्वर में आस्था बनाए रखें। अगर गंभीर समस्या है तो ये उपाय आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आप पाएंगे कि उन पर दवाइयों का असर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको मेडिसिन नहीं लेनी, दवाई आपको प्रॉपर लेनी है, सारे जो रूल्स हैं वो फॉलो करने हैं, लेकिन उसका असर आपको जल्दी दिखाई देने लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। लेकिन अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है तो आप दूसरों की हेल्प के लिए भी वीडियो को शेयर करें। अगर कुछ बंदे इसको गंगा सप्तमी के दिन ना कर सके
तो वो सोमवार को भी इस उपाय को कर सकते हैं जिनके घर में रोगी या पीड़ित व्यक्ति हैं। आप हर प्रत्येक सोमवार को इस उपाय को कीजिए। आपको कोई पैसे खर्च नहीं करने हैं, नॉर्मल आपको अपने बहुमूल्य समय से कुछ समय ईश्वर के लिए निकालना है। जय माता दी।